जब कभी कम ऑयल में हेल्दी और टेस्टी हल्का फुल्का नाश्ता खाने का मन करे तो इस नाश्ते को आप ज़रूर बना करके ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देर किस बात की, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लौकी। ये मैंने आधा लौकी ले लिया है, इसे हम धो करके छील करके छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ वेजिटेबल। सबसे पहले हम लेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम लेंगे एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़े से फ्रेश धनिया की पत्ती। अब इस नाश्ते को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम लेंगे एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। ये देखिए मैंने जीरे को भून करके पीस लिया था। अब इसमें हम लेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, जिससे हमारे नाश्ते में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें हम लेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। अब इस नाश्ते को बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें लेंगे सबसे पहले दो चम्मच बेसन, अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे दो चम्मच चावल का आटा, चावल का आटा मिक्स करने के बाद इसे हम बिना पानी के पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि लौकी में हमने नमक मिलाया है तो वो पानी छोड़ देगा, इसीलिए हमें इसे एक बार ऐसे ही मिक्स करना है। ये देखिए बिना पानी के मिक्स करने के बाद इस तरीके से ये डो हमारा तैयार है। अब इसमें हम मिलाएंगे बस एक चम्मच पानी, और जो पानी बच जाए उसे हम साइड कर लेंगे। इसमें हम एक चम्मच से ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, वरना ये डो पतला हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे एक पैन, पैन में हम लेंगे एक चम्मच ऑयल, ऑयल को हम अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। उसके बाद हमने जो डो तैयार करके रखा है उसे हाथों पर ले करके इस तरीके से दोनों हाथों से इसे टिक्की का शेप दे देंगे। अब इसे हम पैन में डाल देंगे और इसी तरीके से बाकी नाश्ते को हम टिक्की का शेप देते हुए पैन में डाल देंगे। एक साथ हम ज़्यादा नाश्ता नहीं पकाएंगे, बाकी बचे नाश्ते को हम बाद में पका लेंगे। अब 5 मिनट हो चुका है इसे एक साइड से पकते हुए। अब इसे हम चम्मच की मदद से और स्पैचुला की मदद से पलट लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, टूटने के चांसेस होते हैं। अब इसे हमें आराम से पलटना है। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आ चुका है इस पर। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, गैस फ्लेम फास्ट नहीं करेंगे। ये देखिए अब 5 मिनट दूसरी साइड से भी ये पककर तैयार हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जितना दिखने में सुंदर है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। बहुत टेस्टी बन करके तैयार होता है, हल्का फुल्का नाश्ता है ये। जब आपका मन करे आप इसे बना करके खा सकते हैं, और इसे आप टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एकदम झटपट से बनने वाला हेल्दी नाश्ता है ये। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपको एक नाश्ता तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से कुरकुरे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें।